हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपता है 23 फरवरी को, जहां पे ये बताया जाता है कि चाइना किस तरीके से दुनिया भर के अलग अलग देशों का डेटा को चोरी कर रहा है और उसे एनालिसिस कर रहा है, और उसके बाद पॉसिबली या कह सकते हैं कि डेफिनेटली चाइना उन सब डेटा को उस देश के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर मुझे किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई जानकारी चाहिए तो या तो मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे जाके मैं डेटा को इकट्ठा करूंगा, फिर उसके बाद मैं उस चीज का एनालिसिस करूंगा। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी देश का जो डेटा होता है, खास करके उसके देश के जो लोगों का पैटर्न होता है, इकोनॉमिक पैटर्न होता है, या किस तरीके से वो अपने पैसे को खर्च करते हैं या कहां खर्च करते हैं। कहने का मतलब है कि जो डेटा होता है इसका इस्तेमाल पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में तकरीबन दुनिया के किसी भी तरीके से इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम 3 पॉइंट्स इस वीडियो में रखेंगे और हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है कि आखिर में ये पूरा स्टोरी क्या है। दूसरा हमारा रहने वाला है कि किस टाइप के डेटा लीक हुआ है। और तीसरा रहने वाला है कि क्या सिर्फ चाइना को ही ब्लेम करना सही है किसी भी डेटा लीक के लिए, या तो हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसे भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। सो 23 फरवरी को द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में एक आर्टिकल छपता है जहां पे ये बताया जाता है कि मैसिव डेटा लीक फ्रॉम अ चाइनीज साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। और ये कोई पहली बार नहीं है जब चाइना के ऊपर ये एलिगेशन कह ले, या तो ये डेफिनेट एलिगेशन लगता रहा है, जहां पे तकरीबन दुनिया के सभी देशों को ये पता है कि चाइना अपने देश में दूसरे कंट्रीज का डेटा को स्टोर करता है और उसके बाद उसे एनालिसिस करके उस देश के खिलाफ उसका इस्तेमाल करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी भी सरकार को अपना कोई काम करना या करवाना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इशू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उस पॉइंट्स को देखने के बाद जो भी कंपनी इंटरेस्टेड होती है वो कंपनी फिर फर्दर अप्लाई करते हैं, उसके बाद का जो भी नॉर्मल एक प्रोसेस होता है वो फॉलो होता है। तो ये जो डेटा लीक हुआ है ये कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म गिटहब पे हुआ है, जहां पे ये बताया गया है कि आईसून जो कंपनी है उसी का डेटा लीक हुआ है, और आईसून कंपनी को ही गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने डेटा को सिक्योर या उसे एनालिसिस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो बेसिकली जो डेटा लीक हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स और जो कम्युनिकेशन हुए हैं बिटवीन चाइनीज गवर्नमेंट और आईसून के बीच में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और यूनाइटेड किंगडम्स के जो डेटा है उसे इकट्ठा किया जाए और उसे एनालिसिस किया जाए। अब आईसून कंपनी जो है ये अपने आप को एक शंघाई बेस्ड कंपनी दिखाती है, और चाइना में आईसून जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना के लिए काम करती है, क्योंकि चाइना पॉसिबली बहुत सारे देशों के ऊपर सर्विलांस करता होगा, उनके जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करता है। तो किसी भी एक या दो कंपनी के ये बस की बात नहीं है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। अब अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, उस जो डेटा लीक है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आया, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया कि किस तरीके से आईसून और गवर्नमेंट ऑफ चाइना के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ बताया जा रहा है कि जो फॉरेन नेशंस है उसके डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और ये लगभग 8 सालों का ये कुछ डिटेल्स उसमें दिया गया है, जिसमें कि स्पेसिफिकली 20 से भी ज्यादा जो फॉरेन कंट्रीज या गवर्नमेंट है, जिसमें कि इंडिया, हांगकांग, थाईलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ताइवान, मलेशिया जैसे कुछ इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट देश है। कहने की जरूरत नहीं है कि साउथ कोरिया और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी खराब है, ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है लेकिन ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश मानता है। अब जो सबसे अजीब बात रही वो ये रही ना कि एग्जैक्टली सपोज दैट ताइवान से आईसून ने क्या डेटा को इकट्ठा किया, वो इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आया है। तो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आया है इस डेटा लीक में वो ये है कि आईसून और गवर्नमेंट ऑफ चाइना के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, और वो कम्युनिकेशन किस किस पॉइंट्स पे हुआ है, और किस किस देशों का नाम उसमें बताया गया था गवर्नमेंट ऑफ चाइना के द्वारा कि इन सब देशों का आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको निकालना है। क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी शॉर्ट डिस्टेंस है, तो कितनी बार ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है कि जो चाइनीज मिलिट्री है या उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो ताइवान के एरिया में जाते हैं, काफी देर तक वहां पे रहते हैं, और कितनी बार स्पाई बेलून ताइवान के एरिया में जाता है, बहुत देर तक वहां पे रहता है और उसके बाद फिर कुछ डेटा इकट्ठा करके वहां से वो फिर वापस आ जाता है। और चाइना ये काम सिर्फ फॉरेन नेशनल के साथ ही नहीं करता बल्कि खुद के देश में भी, क्योंकि चाइना के जो शिनजियांग प्रोविंस है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो रहते हैं वो मुस्लिम रहते हैं, और ऐसा माना जाता है और इसका भी काफी डेफिनेट प्रूफ है, जहां पे ये बताया जाता है कि
जो विगुर मुस्लिम है चाइना में, उनके जो मस्जिद होते हैं उसे तोड़ दिया गया है, उनके जो अपने कल्चर है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और बहुत हद तक ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आते हैं कि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा जाता है और बाय फोर्स उनको काम करवाया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि पॉसिबली जो ये डेटा लीक हुआ है आईसून के द्वारा, या आईसून का जो डेटा लीक हुआ है, ये डेटा लीक कैसे हुआ है? तो गूगल में एक चीफ थ्रेट एनालिस्ट है जिनका नाम जॉन है, वो ऐसा मानते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि जो आईसून के जो राइवल कंपनी है, ये कहीं ना कहीं उनका काम हो सकता है, क्योंकि जितने भी जो कंपनीज होते हैं उन सभी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो ऑफ कोर्स उसका जो बेस होता है वही कमाना होता है, वही इकोनॉमी होता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आईसून को क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इसलिए ये बताने का प्रयास किया गया कि आईसून का डेटा को भी लीक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आईसून का जो इमेज है या उसका जो सिक्योरिटी वॉल है उसको भेजा गया है ताकि ये बताया जा सके गवर्नमेंट ऑफ चाइना को या उसके पीएलए को कि आईसून जो है वो एक सेफ कंपनी नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट है, उनका ये मानना है कि आप जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो ट्विटर हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो और भी किसी तरीके का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होता है, उसका एक्सेस आप जितना करते हो उतना ही कहीं ना कहीं आप अपने विचार को भी एक्सपोज करते हो, और जो आपके दुश्मन देश होते हैं उनको ये मालूम पड़ता है कि फिलहाल कंट्री ए में जो सबसे बर्निंग मुद्दा है वो क्या है और पब्लिक का ओपिनियन क्या है। एक चीज को आप एनालाइज करना और देखना कि बहुत बार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या तो अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे बहुत रूड और बहुत ही ब्लंट कमेंट्स आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें ये लगता है कि कोई हमारे देश में ही रहने वाला आदमी हो या यूजर हो, उसने अपने विचार को एक्सप्रेस किया होगा, लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ऑलमोस्ट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये पूरे दुनिया में इस्तेमाल होता है, और बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी होता है कि जो यूजर है वो उस देश का जो कॉमन नेम है उसका इस्तेमाल कर रहा हो और वो रिलीजन या पॉलिटिक्स के मुद्दों पे कमेंट कर रहा हो। फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी ने यह कहा है कि आईसून जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो पहले का ट्विटर और आज का एक्स उसके अकाउंट्स को भी हैक कर सकता है, इवन जब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसके बावजूद भी। तो आप और हम समझ सकते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं वो कितना ज़्यादा वनरेबल है। कुछ हम जान लेते हैं आईसून कंपनी के बारे में। तो इसका जो वेबसाइट कहता है वो ये कहता है कि डीपली इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ साइबर स्पेस सिक्योरिटी एंड एज अ पब्लिक नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिजिटल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर, जो कि 2010 में इसका फॉर्मेशन होता है और इसका हेडक्वार्टर को शंघाई दिखाया जाता है, जिसके कि और भी अलग अलग लोकेशन पे इसका ब्रांच रहता है। लेकिन क्योंकि ये मामला अभी बढ़ गया इसलिए आईसून का जो वेबसाइट है वो अनअवेलेबल है। शिनजियांग प्रोविंस में विगुर मुस्लिम रहते हैं और विगुर मुस्लिम और जो चाइना है, जो मेनलैंड चाइना है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो काफी खराब है। जो विगुर लोग होते हैं इनका ये मेजरली आपका टर्किक ऑरिजिन के होते हैं और इनका जो कल्चर होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है जो चाइना के मेनलैंड लोग हैं। तो जो चाइना के मेनलैंड लोग हैं वो हान डायनेस्टी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं और जो विगुर मुस्लिम है ये अपने आप को टर्किक ऑरिजिन से मानते हैं, और ना कि सिर्फ इंडिया या ताइवान बल्कि मंगोलिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, थाईलैंड, पॉसिबली हम कह सकते हैं कि दुनिया के सभी देशों में चाइना उसके डेटा को लीक करता है, एनालिसिस करता है और बहुत हद तक वहाँ के जो लोग हैं उसका ओपिनियन को कस्टमाइज करता है। और 2020 में भी द इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ये बताया गया था कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट 10,000 इंडियन इंडिविजुअल्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके ऊपर चाइना का बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से नज़र है, उनका जो पैटर्न है, उनका जो डेटा है उसे भी चोरी किया जा रहा है। और बहुत हद तक ये भी माना गया है कि जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं या और भी हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको भी सर्विलांस पे रखा गया था, उनके भी जो डेटा था उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कभी खुल के पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं रखे हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली ये कह पाना मुश्किल है कि किस किस डेटा से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। बीते कुछ सालों में चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन है वो भी ख़राब हुआ है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ 35,000 जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनका भी डेटा से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है,
और जब ये 35,000 लोग हैं तो आप मान के चलिए कि उस देश के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं उन्हीं का डेटा से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है या उनका डेटा को इकट्ठा किया जाता है। एक जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं कहीं के भी है, उनके पास कुछ ऐसे बहुत डेटा होते नहीं है जो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए तो उससे कुछ बहुत नुकसान होता है या होगा। वैसे किसी का भी जो पर्सनल डेटा है वो कभी भी पब्लिक नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है। तो इससे हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे अपने विचारों को एक्सप्रेस करना या किसी भी मॉर्फ फोटोग्राफ पे कमेंट करना, ये बहुत ही हानिकारक और बहुत ही घातक है हमारे लोगों के लिए और हमारे देश के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।